यहाँ से विकास के नाम पे हमारा काम तो चल पड़े आप जी, एक अलग हवा चल रही है और आपकी विकास की हवा चल रही है, क्या कहेंगे आप? आज देखिए आपने, नहीं नहीं सर फिर भी आज नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं 9 साल से यही काम करते आ रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी जो काम था, ये शागंज का जो बनी मियाँ हजरत के दरगाह के सामने का जो रोड है, वो वाकई में बहुत बुरी हालत थी। और यहाँ पे फिरोज साहब बहुत टाइम से पीछे लगे हुए थे कि ये रोड बनना चाहिए। आज फिरोज साहब के बहुत ही इसरार के ऊपर ये रोड का काम शुरू हुआ है, और यकीनन यहाँ आने के बाद लग रहा है कि ये रोड पहले ही बन जाना चाहिए था। सर ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि महानगर पालिका चुनाव भी आने वाले हैं, आपके तमाम 26 नगर सेवा के पूरे शहर के 15 वार्ड के 9 सेवक हिमायत से चुनके लड़ने वाले, क्या आदेश देंगे आप? आदेश को मशवरा देंगे आप? काम करते रहो। इलेक्शन जब आएगा तब इलेक्शन की बात करेंगे उसके अंदर, अभी तो सिर्फ काम करते रहिएगा उसमें। सर इम्तियाज जलील साहब के आज से जो ओपनिंग हुई, मैं बहुत दिनों से खासदार साहब के पीछे पड़ा था कि साहब ये रोड लेना बहुत जरूरी है, कॉरपोरेशन की जो हालत है वो खस्ता है। और इससे पहले सामने मेरे हिसाब में शादान की पानी की टाकी से लेकर हिंदी भवन तक जो काम किया है वो भी साहब का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये जो रोड मेरे हिसाब में साहब ने बहुत दिनों से मैं साहब के पीछे पड़ा था क्योंकि कॉरपोरेशन की हालत बहुत खस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज खासदार साहब ने मेरे इसरार पे ये काम चालू किया, जो बसेरा होटल से रॉयल होटल तक जो काम है, मैं खासदार साहब का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो उन्होंने मेरे इसरार पे ये काम चालू करने का आज उद्घाटन किया। सर आप ही बहुत कमांड लीड करते हैं, आपको रहनुमाई करते हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए जो शहर के लोगों ने खासदार इम्तियाज जलील साहब को चुनकर दिया था, वो लगातार पिछले कई सालों से जो है तो शहर के डेवलपमेंट में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इससे पहले आपने किसी खासदार को इस कदर ग्राउंड के ऊपर उतरते हुए और इतने इनॉग्रेशंस करते हुए कभी नहीं देखा होगा। ये औरंगाबाद की तारीख में पहली मरतबा हुआ, और ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही मंशा है कि औरंगाबाद के लोगों ने जो मजलिस के ऊपर भरोसा जताया है तो उनके लिए हम लोग जो है तो 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे इंशाल्लाह, और आगे भी जो बचे हुए काम है वो भी पूरे करके रहेंगे इंशाल्लाह। सर इस तरह खासदार साहब गली गली जाके रिपीट काट रहे हैं, एक चर्चा ये भी है ये काम नगर सेवक लेवल का रहता है, जब खासदार साहब ये काम कर रहे हैं तो नगर सेवक क्या कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। देखिए पिछले 3 साल से आपको पता है कि बॉडी नहीं है, और बॉडी नहीं होने के बाद में पिछले साल 60 लाख का बजट दिया गया था और इस साल जो है तो 50 लाख का दिया गया, तो मतलब 2 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए वार्ड के अंदर कुछ नहीं होते। इससे पहले आप जाके देखिए कई सारे डेवलपमेंट के काम हुए, लेकिन कुछ वार्ड है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वार्ड होने की वजह से वहाँ खासदार साहब का कुछ ना कुछ काम लेना पड़ता है। बाकी मैक्सिमम वार्डों के अंदर जहाँ पे हमारे नगर सेवक है वो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये मार्केट एरिया है और बड़ी बड़ी सड़कें जो होती है ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है, कॉरपोरेटर की जिम्मेदारी होती है कि अंदर की जो है नाली है, ड्रेनेज है, पानी का सिस्टम है या छोटी छोटी गलियाँ हैं, लेकिन ये शहर की बड़ी सड़कें ये कॉरपोरेशन नहीं कर रही, तो आज कॉरपोरेटर को ज़बरदस्ती करवाना पड़ रहा है, उनके पास उतना फंड नहीं होने की वजह से आज खासदार साहब का सपोर्ट लेना पड़ा है। अल्टीमेट लोगों का फायदा हो रहा है, शहरियान का फायदा हो रहा है, इस बात की हमें खुशी है। सर औरंगाबाद के सियासी हालात को देखते हुए कोई खुले तौर पे पैगाम, कोई मैसेज डेवलपमेंट के नाम पर या किस तरह की राजनीति चल रही है उसके नाम पर कुछ देंगे आप? देखिए राजनीति क्या चल रही है वो तो हमें लेना है ना देना है, हमको इतना मालूम है कि इस शहर के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा जताया था और हम उनके लिए जैसा मैंने पहले भी कहा हमेशा अवेलेबल थे, और आगे भी औरंगाबाद शहरियान के लिए हम लोग हमेशा जो तो उनके तरक्याती काम हो या जो भी मसले मसाइल हो उसके अंदर इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा साथ रहेगी उनकी। आगे बढ़े।